उसके तरफ से। तो अल्लाह ताला का फजल है कि उसने ये भी रखा इस उम्मत के लिए कि मरने वालों के लिए ईसाले सवाब करते रहो तो उनकी बख्शिश के सामान बन जाते हैं। तो अगर ईमान है और अमल नहीं है तो सीधा जन्नत में नहीं जाएगा, वाया होकर जाए। पूरी दुनिया एक नाकामी का समंदर है और इंसानियत का सफीना उसमें गर्क होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मैं इस सूरत का ये लफ्ज जबूती में जाके समझा जब हमारा सफर था कश्ती का, हमारी कश्ती आगे वो जरा जदीद थी और दूसरी कश्ती पीछे वो जरा पुरानी थी। वो स्टीमर था उसमें 250-300 अफराद थे, हमारे वो फौजी कश्ती थी उसमें 25-30 थे। तो वो पिछली कश्ती डूब गई, ओवरलोड था या क्या था ले जानता है, जैसे 2-3 हशको ले लिए और वो उलट गई और उसमें कुछ 150 आदमी शहीद हो गए। तुम थोड़ा सा आगे थे, हमें पिछला मंजर तो नजर नहीं आया लेकिन हमें खबर मिल गई कि कश्ती डूब गई। तो एकदम मेरे मुंह से निकला कोई बचा है, क्योंकि मैं तो यूं तो साथ साथ तो चले थे, हम तेज थे, हम आगे निकल के ऊपर गिर गए। मैंने कहा कोई बचा है, पता कोई नहीं। इन्नल इंसान लफी खुसर, जलाल है, सारी दुनिया के मर्द औरत नाकामी में डूब गए। तो एकदम घबराई हुई आवाज आई, या अल्लाह कोई बचा है, कोई बचा ही है, सारे गए। तो अल्लाह ने कहा नहीं कुछ बच गए। इल्ला, इल्ला का लफ्ज हमेशा कमी को बताने के लिए आता है, इल्ला के बाद जो होता है ना थोड़ा होता है। भाई सारे आ गए, हाँ जी, सिर्फ तारिक जमील नहीं आया। तो सिर्फ उर्दू में इल्ला, सिर्फ का मतलब होता है अब बाद में लोग थोड़े रह गए, ये सारे अबा जी बस अभी 2-3 नहीं आए। इल्ला, 7 अरब इंसान तबाह हो गए, इल्ला कुछ बच गए। कौन बच गए? ये 4 काम जिन्होंने किए वो बच गए। कौन? आमनो, इस शर्त के लगने से सारे काफिर नाकामी में चले गए। अमलुस सालिहात, अमाले सालिया की शर्त से ईमान वाले नाकामी में चले गए। वतवासो बिल हक, हक की दावत, ये जो तबलीग का काम हो रहा है जिससे आप अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया में अल्लाह ने फिराई है और कई दफा फिराई है, अल्लाह ने हमें ये इज्जत दी है कि यहाँ से काफिले बन बन के पूरे आलम में अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे हैं। तो मैं जंगलों में गया हूँ, वहाँ भी तबलीग को देखा है, और बर्फ को चोटियों यूरोप की वहाँ भी तबलीग के काम को देखा है। तो तीसरी शर्त लगाने से अमल वाले निकल गए। वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की शर्त लगाने से तबलीग वाले निकल गए। हर जगह नाकामी के मफहूम में थोड़ा 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 फर्क। ईमान, ईमान की शर्त से नाकामी है जहन्नुम, कभी जन्नत में नहीं जा सकते। वो फरिश्तों से कहेंगे उद्उ रब्बकुम युखफ्फ अन्ना यौमन मिन अल-अज़ाब, अज़ाब तो थोड़ा कम कर दो। फरिश्तों से कहेंगे, वो कहेंगे अवलम तक़्तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, कोई बताने आया था? क़ालू बला, आया था। क़ालू फ़द्उ, अब तुम्हारी दुआओं को कोई सिला नहीं है। जब देखेंगे कि अज़ाब कम नहीं होता तो फिर फरिश्ते से कहेंगे लियक़्ज़ी अलैना रब्बु, मालिक हमें मौत दे दो, ख़त्म कर दो। वो कहेंगे इन्नकुम माकिफून, मौत नहीं आएगी, रहना पड़ेगा। फिर कहेंगे रब्बना, या अल्लाह ग़लबत अलैना शक़्वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन, रब्बना अख़रिजना मिन्ना फ़नउदना फ़इन्ना ज़ालिमून, या अल्लाह ग़लती कर बैठे माफ कर दो, आइंदा नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाएंगे इख़्सौ फ़ीहा व ला तुकल्लिमून, यहीं जलील होकर पड़े रहो, अब कभी निकलना ना होगा। ये बड़ा खौफनाक आने वाला वक्त है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हम तो दिया सलाई नहीं बर्दाश्त करते, और जिब्रील ने आकर अल्लाह के नबी से फरमाया कि अगर जहन्नुम से इतना सुराख हो जाए जितना सुई का नाका होता है, उससे निकलने वाला शरारा और चिंगारी सारी ज़मीन को जला के राख कर देगी, तो पता नहीं अंदर क्या है। पानी का एक कतरा ज़मीन पर पड़ जाए तो क़यामत तक के लिए कोई मीठा फल नहीं उगेगा, और मीठा पानी किसी को मुयस्सर नहीं होगा, और वही पानी उनको पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अपनी ज़िंदगी को अगर ऊपर ले जाना चाहते हो तो नीचे होना सीख लो, झुकना सीख लो। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिहि, या अब्द, अल्लाह ने जब बुलंदियों का जिक्र किया तो अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया कि
पाक वो जात जो अपने बंदे को लेकर ऊपर चढ़ा। अगर ऊंचाई का सफर तय करना है तो झुकना सीखो, जबान के बोल को मीठा करना सीखो, माँ के सामने, बाप के सामने, टीचर के सामने, भाई के सामने, बहन के सामने, बीवी के सामने, बीवी हामिद के सामने अपनी जबान का बोल मीठा करो, अपने दिल का दरवाजा खुला रखो। माफ करने की ताकत इतनी पैदा करो, मेरे नबी सोए हुए हैं, एक काफिर ने आकर तलवार आपकी उतारी और यहाँ मारी, आप उठ के बैठ गए, तलवार उसे उसी दी थी, कौन बचाएगा, पूरे कत्ल पैदा था। आपने कहा अल्लाह, तो उसके हाथ से तलवार गिर गई, आपने उठा ली, आपने उसी दी की, अब तुम्हें कौन बचाएगा, कहना मैंने तो ही बचाएगा, मैंने तो ही बचाएगा। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो, कहने लगा नहीं पढ़ता, अल्लाह हू अकबर, कहने लगा नहीं पढ़ता, आपने कहा जाओ माफ किया, जाओ माफ किया। इतनी ताकत माफ करने की, ईमान की शर्त ने सारे काफरों पर नाकामी की मोहर लगाई कि कभी जन्नत में नहीं जा सकते, हमेशा की जहन्नम। ईमान का आखिरी दर्जा क्या है, इदा साअत का सैया वसलत का हसना फअंत मोमिन, नेकी करके खुश हो और गुनाह करके दुखी हो जाओ, तौबा करने लग जाओ तो तुम ईमान वाले हो। ये ईमान कामयाबी तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है कि अगर गुनाह करके नदामत हो और नेकी करके खुशी हो रही हो तो ईमान का ये दर्जा जन्नत तक पहुंचा देगा। और ईमान का आला दर्जा क्या है, हज़रत अली का फरमान है, लो कुशफल गिता मज़दत तो ईमाना, मेरी आंखों से आसमान के पर्दे हटा दो तो जन्नत जहन्नम अल्लाह को देख कर भी मेरे ईमान में कोई ज्यादती नहीं होगी। ये आला दर्जा है। और आला दर्जा क्या है, जो हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु से आपने फरमाया तेरे ईमान की निशानी क्या है, तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह के अर्श को आंखों से खुला देखता हूँ, जन्नतियों को खुश देखता हूँ, जहन्नमियों को चिल्लाता देखता हूँ। आपने फरमाया तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। अबू रहाना एक सफर से वापस आए तो उनकी बेगम उनके इंतज़ार में, उस जमाने में ना कोई मोबाइल ना टेलीफोन, तो इंतज़ार होता था, जो जब रात को बैठने लगे तो कहने लगे दो नफल पढ़ लो फिर बैठेंगे, उन्होंने कहा पढ़ लो, अल्लाह अकबर। जो शुरू हुए चलते 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 फजर की अजान पे जाके दो नफल ख़त्म हो, तो कहने लगे अबू रहाना अमालाना मिन का नसीब, मेरा कोई हक नहीं था। कहने लगे मुझे माफ़ करना, मैं बिल्कुल भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा। कहने लगे अल्लाह के बंदे एक कमरे में बैठे हुए गए, वो तुम सफर से वापस आए हो, उन्होंने कहा मैं भूल गया, सानू तो नमाजा ही तंग की रख दिन बच्चे नमाज दे याद आ रही, और एक कमरे में मैं तुम्हें याद कैसे नहीं आई। कहने लगे जब मैंने कुरान शुरू किया तो जन्नत मेरे सामने ऐसी आई कि मुझे भूल ही गया कि मैं कहाँ खड़ा हुआ। हमारी नमाज चाहे ना बने, चाहे यकसुई वाली ना बने, लेकिन हमें सजदे का हुक्म है, अगर चबुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बुत मेरी अपनी आस्तीन में भी होंगे तो भी मुझे सजदा करना है, मेरा दिल टिके ना टिके मुझे माथे को जमीन पर टेकना है और मुझे अपने अल्लाह के सामने झुकना है। पिछल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है, नबी के सहाबा के रास्ते पिछल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है, लगा है नशा जब जन्नत हमको ऊंचा टपन जी इस जहां से हुआ है, लगा है नशा जब जन्नत हमको ऊंचा टपन जी इस जहां से हुआ है, मुतारिफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा, हमारे ये
लगा है नशा जब जन्नत।